subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. और अब ले आए हैं हम आप सभी के लिए एक ऐसी खबर जो जुड़ी हुई है आप ही के मोस्ट फेवरेट चैनल यानी कि स्टार प्लस से और साथ साथ आपके मोस्ट फेवरेट शो से, जो कि अब बहुत ही जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। वेल यस, बता दें कि स्टार प्लस आजकल अपनी टीआरपी को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचने लगा है और यही वजह है कि एक के बाद एक शो लगातार ही ऑफ एयर होने जा रहे हैं और उसी में एक और शो शामिल हो चुका है। बता दें कि ये शो इतना बड़ा शो था कि स्टार प्लस इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गया था। बाहुबली के राइटर्स ने इसकी स्टोरी लिखी थी और 2 से 3 शोज का बजट लेकर एक ही शो में इकट्ठा किया गया था पूरे पूरे पैसे को और साथ ही बड़े बड़े एक्टर्स को। लेकिन ये क्या, अचानक से हो गया है ये शो बंद और बहुत ही जल्दी आपको ये शो नजर नहीं आ सकता है टेलीकास्ट होता हुआ। वेल, सोच रहे होंगे आप कि भला वो कौन सा हो सकता है शो, तो बता दें कि भाई वो शो और कोई नहीं बल्कि हिस्टोरिकल शो आरंभ होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही भव्य सेट से सजा हुआ और साथ ही बढ़िया कलाकारों से सजा हुआ ये शो अब बहुत ही जल्दी ऑफ एयर होने वाला है। चौंक जाइए, लेकिन यही सच है और भाई यही टीआरपी का पूरा पूरा खेल है। जो शो टीआरपी नहीं बटोरेगा तो वो शो चाहे हिस्टोरिकल हो या फिर एपिक हो, उसका ऑफ एयर होना तो बनता ही है। और साथ साथ अब ये फैसला सिर्फ शो के मेकर्स ने नहीं बल्कि स्टार प्लस ने खुद दिया है, जिसके बाद अब ये देखना होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कि इस बार आरंभ की जगह पे कौन सा नया शो स्टार प्लस लेके आता है और क्या वो आरंभ को टक्कर दे पाता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सारे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।